वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि बालों को ग्रो कैसे करें दीदी, कैसे बढ़ाएं, कैसे हेयर फॉल क्योर करें, आपके बाल इतनी तेज़ी से कैसे ग्रो हो जाते हैं, इसका सीक्रेट हमारे साथ शेयर करिए। भाई मेरे बाल तो काफ़ी लंबे थे, अगर आप मेरे व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा, पुराने व्यूअर है मोस्ट प्रोबेबली तो आपको पता ही होगा कि मेरे बाल कितने लंबे थे। मैं बीच बीच में बोर हो जाती हूँ तो अपने बालों को कटवाती रहती हूँ, क्योंकि लंबे बाल ना छोटे बेबी के साथ प्रॉब्लमैटिक हो रहे थे, मैनेज नहीं हो पा रहे थे तो मैंने कटवा लिए। बट दोबारा से मेरे हेयर काफ़ी अच्छे से ग्रो होने लगे हैं, हेल्दी होने लगे हैं। इसके लिए यूज़ कर रही हूँ मैं एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट, जो है एक नया इन्ग्रीडियंट जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था, कुछ दिन यूज़ कर लिया है एंड आई एम अश्योर्ड कि आपके ऊपर भी बहुत अच्छा काम करने वाला है। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी रेमेडीज़ हमने अपने हेयर फॉल के लिए या फिर हेयर ग्रोथ के लिए यूज़ की है। एलोवेरा जेल यूज़ किया है, हाँ किया है। विटामिन ई किया है, हाँ किया है। जिंजर यूज़ किया है, किया है। अनियन यूज़ किया है, किया है। बट वॉट नेक्स्ट, आज यूज़ करने वाले हैं एक नया इन्ग्रीडियंट इन सारे इन्ग्रीडियंट्स के साथ। तो चलिए बताती हूँ क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमें क्या करना है, हमें लेना है सबसे पहले एलोवेरा जेल। 2 से 3 चम्मच एलोवेरा ले लीजिए, अपनी पसंद का कोई भी एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं। क्लियर होना चाहिए, कोई कलर नहीं होना चाहिए। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे विटामिन ई ऑयल। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल है ना इवियन वाला, तो 1 से 2 डाल दीजिए। मेरे पास ऑयल है तो मैं कुछ बूंदें इसमें ऐड करूँगी, 4 से 5 बूंदें इसमें ऐड करेंगे। कैप्सूल है तो 1 से 2 कैप्सूल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर जूस, यानी कि अदरक का रस। अदरक का रस आप कैसे निकालेंगे, अदरक को कद्दूकस कर लीजिए, यानी उसे घिस लीजिए, और उसके बाद ऐसे ही हाथों से निचोड़ के अपने देसी स्टाइल में इसका रस निकाल लीजिए, क्योंकि हमें एक चम्मच या 1 से 1.5 चम्मच ही रस चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अदरक का रस इसमें आपको ऐड करना है। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, स्किप मत करिएगा। इस तरह से अदरक का जूस आप निकाल सकते हैं और इसमें आपको ऐड कर देना है। अब नेक्स्ट जो मैं ऐड करने वाली हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल रेमेडी। इसमें 4 चांद लगाएगा ये रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल लिया है मैंने एल्प्स गुडनेस का, आपको इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन। अच्छा, इसके सिर्फ 1 से 2 बूंदे ही इनफ है, यानी सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप ही इसका हमें ऐड करना है। एंड ये इतनी तेज़ी से आपके बालों को ग्रो करेगा, बालों में चमक लाएगा, शाइन लाएगा कि आपको यकीन भी नहीं होगा। यस गाइस, ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप आपको इसका लेना है अपनी हेयर रेमेडीज़ के लिए, अपने हेयर ऑयल में या फिर हेयर शैम्पू में। इसकी 2 बूंदें आप मिलाएंगे ना, मोर देन एनफ है। यही आपके बालों में, आपके बालों की जो ग्रोथ है ना, उसको प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये इतना बढ़िया सा प्यारा सा जो हेयर सीरम बनके तैयार है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है क्योंकि रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाला है। क्लियर टेक्सचर है, इजीली आपके हेयर में लग जाएगा और आपके बाल ऑयली भी नहीं होने वाले हैं गाइस। अगर आपने शैम्पू किया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लगाकर मैक्सिमम 24 आवर्स तक रख सकते हैं। वॉश करना है बालों को तो कम से कम 2 घंटे बालों में लगे रहने दें, और बालों में नहीं, आपको इसका स्कैल्प में एप्लीकेशन करना है, यानी कि अपनी रूट्स में, जड़ों में अप्लाई करना है। सेक्शन बना लीजिए बालों में और इस तरह से रूट्स में अगर आप मसाज करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलेंगे। इसको बालों में यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है, रूट्स में हमें हेयर ग्रोथ चाहिए। तो मेक श्योर करें कि आपके रूट्स में अच्छी तरीके से ये सीरम प्लेस्ड हो। जिस तरह से मैं बालों की जड़ों में लगा रही हूँ, ऐसे ही आपको लगाना है। छोटे छोटे सेक्शन बना लीजिए बालों में। हाय गाइस, चलिए एक बात बताइए कि आपने चाहे कितना भी अच्छा स्किन केयर किया हो, कितना भी अच्छा मेकअप किया हो, बट अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स हैं, ओपन पोर्स का मतलब कि जो गड्ढे हो जाते हैं ना, जो ऐसे गड्ढे गड्ढे से दिखाई देते हैं, ओपन पोर्स हो जाते हैं, अगर वो आपकी स्किन पे है तो क्या आपकी स्किन हेल्दी नजर आएगी, क्या आपकी स्किन फ्लॉलेस नजर आएगी, क्या आपकी स्किन अच्छी नजर आएगी? नहीं ना। तो इसीलिए सबसे पहले ओपन पोर्स का ट्रीटमेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है ना, पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं आपके, जिसमें डर्ट, इम्प्योरिटी सब जमा होते होते स्किन में ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, स्किन में पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, जिससे आपकी स्किन अनइवन नज़र आती है, आपकी स्किन पे पैचेस नज़र आते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए ओपन पोर्स का ट्रीटमेंट लेके आई हूँ। अब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो ग्रीन टी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके ओपन पोर्स को क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आज आपके लिए लेके आई हूँ 1 मिनट ग्रीन टी स्किन केयर रूटीन। अब मम्मा अर्थ ने लॉन्च किया है अपना ग्रीन टी का ये स्किन केयर रेंज, जिसमें आपको मिल जाएगा ग्रीन टी का ये टोनर एंड साथ ही साथ डे क्रीम। टोनर में आपको ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ मिल रहा है गुडनेस कोकोनट वाटर की, विच हेजल की, नाइसिनामाइड की, ग्लाइकोलिक एसिड की, लैक्टिक एसिड की। आपको क्या करना है, अपने फेस को एक अच्छे से फेस वॉश से वॉश कर लेना है। आपको ग्रीन टी का फेस वॉश भी मिल जाएगा मम्मा अर्थ की वेबसाइट पे, आप उस फेस वॉश को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूज करना है इस टोनर को। ये
टोनर क्या करेगा, आपके पोर्स को श्रिंक करेगा, आपके स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करेगा। साथ ही साथ आप यूज कर सकते हैं इनका ग्रीन टी इन्फ्यूज्ड ये डे क्रीम, जो आपकी स्किन को नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखेगा, जिससे स्किन में ना ड्राइनेस फ्लेकीनेस नहीं आए, क्योंकि अब विंटर्स आने वाले हैं, ड्राइनेस फ्लेकीनेस की प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो जाएगी, तो ये भी आपको यूज करना है। अब सबसे खास बात कि इन दोनों ही प्रोडक्ट्स में ग्रीन टी के साथ इन्फ्यूज्ड है कोलाजिन। कोलाजिन हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, स्किन में जैसे ना फाइन लाइंस रिंकल्स आ जाते हैं वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर रखता है। बढ़ती उम्र के साथ यानी 30 प्लस के साथ आपकी स्किन में ये सारी एजिंग साइंस आने लगती है, जिन्हें भी ये दूर रखने में मदद करता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके स्किन की सारी इश्यूज को सॉल्व कर रहा है, आपके ओपन पोर्स को क्लोज करेगा, आपके ओपन पोर्स को क्योर करेगा, आपके स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, एंड साथ ही साथ आपकी स्किन को वो नरिशमेंट, वो हाइड्रेशन भी दे रहा है जो हर स्किन को चाहिए होता है। सबसे खास बात, कोलाजिन के बेनिफिट्स भी आपको मिल रहे हैं। कोलाजिन स्किन में बूस्ट होगा ना, तो एंटी एजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे आपकी स्किन को, जिससे स्किन में एजिंग साइंस नहीं आने पाएंगी और स्किन हमेशा हेल्दी ग्लोई नजर आएगी। मुझे तो ये इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा पसंद आए, मैंने डेली रूटीन में ऑलरेडी शामिल कर चुकी हूँ और डेली इसे यूज कर रही हूँ। आप भी इसे ले सकते हैं ममाअर्थ की वेबसाइट से या फिर ऐप से। वेबसाइट पे आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे ना प्रणय2022, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी आप इसे ले सकते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका से भी एंड purple.com से भी। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसे चेक करना मत भूलिएगा। ममाअर्थ ने लॉन्च किया है अपना गुडनेस इनसाइडर प्रोग्राम। इट इज अ लॉयल्टी प्रोग्राम कॉल्ड गुडनेस इनसाइडर, जिसमें आपको फ्री शिपिंग एंड फ्री गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। You get free shippings and free gifts on every order and exclusive sales and offers. Insider बनने के सारी details भी आपको मिल जाएंगे description box में। और एक बात आपको बता दूं कि ममाअर्थ aim करते हैं 2025 तक 1 million trees plant करने के लिए। जब भी आप ममाअर्थ की website पे shopping करते हैं ना, अपना order place करते हैं, तो आपके order को link कर दिया जाता है एक plant के साथ। तो आप भी ममाअर्थ के through इस initiative का part बन सकते हैं with your every order। And ममाअर्थ also believes in plastic positive, तो जितने भी plastic ये use करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा ये recycle करते हैं। तो make sure करें कि आप यहाँ से अच्छे से परचेज करें, तो इंग्रेडिएंट्स का, इन प्रोडक्ट्स का फायदा उठाएं, अपनी स्किन को नरिशमेंट, हाइड्रेशन दें, एंड सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा कूपन कोड मिल जाएगा फॉर दैट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। चलिए, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए, गो ट्राई इट, बाय इट एंड लेट मी नो योर फीडबैक। आई सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। स्कैल्प में अच्छे से जहाँ पे जड़े हैं ना, रूट्स हैं, अच्छे से वहाँ प्लेस कर दीजिए, मसाज कर दीजिए, ताकि आपको इसके सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिल पाए। ये देखिए, इस तरह से पार्टीशन कर करके मैं मसाज कर रही हूँ, एंड बहुत ही जेंटली फिंगर टिप्स की हेल्प से करना है। मेरी वीडियो हमेशा फास्ट फॉरवर्ड रहती है, ताकि आप सबका टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको प्रोसीजर भी पता चल जाए। तो इस तरह से आपको अच्छे से जड़ों में अप्लाई करना है, 2 से 3 घंटे रहने दीजिए, उसके बाद ही शैम्पू करिएगा। और अगर आप शैम्पू नहीं करना चाहते हैं, लगा कर छोड़ दीजिए, ये ड्राई हो जाएंगे और आपके बाल कहीं से भी ऑयली या फिर ग्रीसी नहीं रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें लेंथ में अप्लाई करना ही नहीं है, हमें सिर्फ रूट्स में अप्लाई करना है। ये देखिए, आराम से लगाइए, रेगुलरली यूज़ करिए फॉर अ वीक और 15 डेज। आप बिल्कुल अम्यूज़ हो जाएंगे कितने बढ़िया तरीके से आपके बाल ग्रो हो रहे हैं, वॉल्यूमिनाइज हो रहे हैं, एंड टूटना झड़ना भी बंद हो गया है। रोजमेरी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, असेंशियल है, अगर बालों को तेज़ी से ग्रो करना है, हेयर फॉल कम करना है, बालों को सिल्की, शाइनी, स्मूथ बनाना है, तो रोजमेरी आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। मैंने यूज़ किया है रोजमेरी असेंशियल ऑयल, जिसे आप अपने किसी भी DIY हेयर रेमेडीज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यूज़ किया एलोवेरा जेल एंड विटामिन ई के साथ। आप यूज़ कर सकते हैं इसे अपने शैम्पू में भी, अपने ऑयल में भी, यानी इसकी 1 से 2 ड्रॉप अगर आप अपने शैम्पू में या हेयर ऑयल में यूज़ करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। एंड रोजमेरी के बारे में अगर आपको और जानना है, तो मेरे ऊपर विश्वास मत करिए, हमेशा कहती हूँ गूगल सर्च करिए, आपको मिल जाएंगे अनलिमिटेड बेनिफिट्स। इस रोजमेरी एसेंशियल ऑयल को यूज़ करिए मल्टीपल तरीकों से, एंड अपने बालों को दीजिए बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स। इसका लिंक मैं दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ले सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं, एंड अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो पसंद आई, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट और बहुत बढ़िया सी नई सी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।